बिहार समेत देश के अन्य राज्यों में कल से कोरोना वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। बिहार में वैक्सीनेशन के पहले दिन कुल 301 केंद्रों पर 18,122 लोगों को कोरोना का टीका लगाया गया। वैक्सीनेशन के संबंध में बात करते हुए बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि वैक्सीनेशन की शुरुआत अच्छे तरह से हुई है। उन्होंने बताया कि राजधानी पटना में पहला टीका IGIMS के सफाई कर्मी को दिया गया। राज्य में निर्धारित केंद्रों पर सप्ताह में 4 दिन सोमवार, मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को टीका दिया जाएगा। सभी केंद्रों पर कोविड टीकाकरण के बाद वायु वेस्ट मैनेजमेंट के लिए कलर कोडेड वैक्स में टीकाकरण केंद्रों पर नजदीकी सहित श्रृंखला कोड चैन प्वाइंट तक लाया जाएगा। वहां से संबंधित बायोमेडिकल वेस्ट उपचार केंद्र के माध्यम से उठाव कर इसका निष्पादन किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग की ओर से बताया गया है कि एक व्यक्ति को 2 बार कोरोना का टीका लगाया जाना है। पहला डोज लगने के बाद 28 दिनों के बाद फिर से उसे दूसरा डोज दिया जाएगा। दोनों टीका लगने के बाद ही व्यक्ति कोरोना से सुरक्षित रहेगा। गौरतलब है कि बिहार में पहले सफाई कर्मियों को वैक्सीन लगेगी, इसके बाद फर्स्ट फेज के वैक्सीनेशन में फ्रंट लाइनर वर्कर को वैक्सीन दी जाएगी। बता दें कि पहले फेज में लगभग 4,67,000 लोगों को वैक्सीन दी जाएगी।